कल वर्चुअल वर्क डन में आपको बेसिक डेफिनेशन बताई गई थी। बेसिक डेफिनेशन में आपको बताया गया था कि वर्चुअल वर्क डन क्या होता है, ठीक है। वर्चुअलिटी कहाँ से आती है, वर्चुअलिटी में आपको बताया गया कि जब कभी भी आप कोई वर्क करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं, तो बहुत सी बार आपको दिखता है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, या डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हुआ कि वैल्यू क्या हुई, रिजल्टेंट वैल्यू जीरो हो गई। तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। हम वर्क नहीं बोलेंगे उसको, हम वर्क डन करेंगे, मतलब रिजल्टेंट वर्क। वर्क डन क्या हुआ, जीरो। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि वर्क डन हमारा जीरो हुआ, दैट वर्क इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क डन। होता क्या है, जिस कंडीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, जनरली हम लोग स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग होने वाला वर्क भी बहुत छोटा हुआ। तो इस छोटे ही वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्क या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उस पर आपको एक थ्योरम बताया गया था, थ्योरम में आपको बता दिया गया था कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर n को प्लेनर फोर्सेस लगते हैं, जहां n आपको बताया गया था कि कोई भी नेचुरल नंबर होता है, n को प्लेनर फोर्सेस लगते हैं, तो उस केस में आपसे कहा गया था कि उन सारे फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन का एल्जेब्रिक सम उनके रिजल्टेंट के द्वारा किए गए वर्क डन के बराबर होता है। दैट मींस आपसे ये कहा गया था द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्क डन by the n coplanar forces is equal to the work done by the resultant force. n coplanar forces हैं, उन सब के थ्रू किया गया वर्क डन का एल्जेब्राइक सम उसके रिजल्टेंट फोर्स के वर्क डन के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात आपको बता दी गई थी। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, हेडलाइन डालिए थ्योरम की, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस ऑन अ बॉडी बाय अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। इस आर्टिकल के अंदर दो आर्टिकल मर्ज हैं। जैसे हमने आर्टिकल आपको क्या लिखवाया कि किसी बॉडी के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस अगर आप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस केस में वर्चुअल वर्क डन का प्रिंसिपल क्या है, मतलब हम वर्चुअल वर्क डन के प्रिंसिपल सिद्धांत को पढ़ने चल रहे हैं जब किसी सिस्टम के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस अप्लाई होते हैं। तो इसमें दो आर्टिकल हैं। फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि आपने n कोप्लेनर फोर्सेस किसी पार्टिकल पे लगाया। दूसरा आर्टिकल कहता है कि आपने n कोप्लेनर फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी के ऊपर लगाया। अंतर क्या है, मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब इस रिजिड बॉडी के अंदर बहुत ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनके कॉम्बिनेशन से ये बॉडी बनी है। रिजिड बॉडी क्या होती है, कहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में बताया था, रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिस पे आप कितना भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर लें, इसके दो पार्टिकल इतने टाइटली रिजिड होते हैं कि उनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। जब पार्टिकल्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उस केस में आपकी बॉडी के शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉडी के शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा अपनी क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हम 250 लोगों को बैठा दें, क्या होगा, इसमें स्ट्रेंथ है बैठने की 20-25 लोगों की, हमने 250 को बैठा दिया, तो इस क्लास में सब लोग इतने टाइटली रिजिड होंगे, इतने टाइटली कॉम्पैक्ट होंगे कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगभग जीरो होगी। अब ऐसे में अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा भी दिए, मतलब क्लास में भगदड़ आपने मचा भी दी, क्या होगा, कोई कहीं भाग नहीं पाएगा, जो जहाँ है वो वहीं रह जाएगा, ना कोई मूव कर पाएगा, ना अपनी जगह से हिल पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में दो पार्टिकल्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। जब पार्टिकल्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, पार्टिकल्स बहुत रिजिडली कॉम्पैक्ट रहे, तो उस केस में आप कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे, सिस्टम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब पार्टिकल मूव नहीं किए तो सिस्टम के स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, सिस्टम के स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ मतलब उसके शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स मोटा मोटी ऐसे समझिए, रिजिड बॉडी ऐसे सिस्टम होते हैं, रिजिड बॉडी
ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें पार्टिकल्स इतने टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं कि अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा भी दें तो इनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी म्यूचुअल मूवमेंट नहीं होता है। कोई भी म्यूचुअल मूवमेंट नहीं होगा तो उसके शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो एज सच रह जाएगा। ऐसे केस में हम इसको रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो आर्टिकल पढ़ेंगे। फर्स्ट में पढ़ेंगे कि किसी पार्टिकल के ऊपर कोप्लेनर फोर्स लगता है तो वर्चुअल वर्क डन क्या होगा। दूसरे में पढ़ेंगे किसी रिजिड बॉडी के ऊपर लगता है तो वर्चुअल वर्क डन क्या होगा। इन दोनों आर्टिकल में से एक आर्टिकल एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आपने जो हेडलाइन डाली है उसके अंदर लिखे थ्योरम वन। ठीक है, लिखिए थ्योरम वन का स्टेटमेंट लिखिए। द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन दैट आ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाई अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस कॉमा बी इन इक्विलिब्रियम कॉमा इज दैट द एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन by the forces in any arbitrary small displacement consistent with the geometrical condition of the system is zero। देखिए डालिए प्रूफ। पहले तो उस थ्योरम का पूरा मतलब समझ लीजिए ताकि आपको कन्वीनियंट हो उसका प्रूफ समझने में। पहली बात तो एक शब्द दिया ना, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन का मतलब ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ, जो मैंने कल आपको बताया था। नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। इसमें क्या होता है, फर्स्ट केस में आप पहली कंडीशन को ट्रू मानते हैं, सेकंड को प्रूफ करते हैं। इसमें क्या होता है, सेकंड को ट्रू मानते हैं और फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। इसको बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, या मोटा मोटी शब्दों में समझ लीजिए इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो कह रहा है क्या दो कंडीशन से, वो हम बता रहे हैं। आप पार्टिकल टेस्टिंग किस पे हो रही है, पार्टिकल पे हो रही है। आप पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाई अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज बी इन इक्विलिब्रियम। कोई पार्टिकल है, ठीक, इस पार्टिकल के ऊपर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स लग रहा है, ठीक। तो कह रहा है जब इसके ऊपर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स लगेगा तो ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है।
कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लग रहा है, देन यू हैव टू शो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कह रहा है इज दैट, देखिए इज दैट द एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, थ्योरम में पढ़िए, इज दैट द एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन बाई द फोर्सेज इन एन आर्बिटेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज जीरो। क्या मतलब हुआ कि ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया। दूसरे सेक्शन में आपसे कह रहा है कि इनके द्वारा किए गए वर्क डन का एल्जेब्राइक सम, दैट इज डब्लू, डब्लू इज इक्वल टू डब्लू वन प्लस डब्लू टू प्लस डब्लू थ्री प्लस सो ऑन डब्लू एन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इन सब के थ्रू किए गए वर्क डन का एल्जेब्राइक सम इक्वल टू जीरो होगा, कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। इस तरीके से कंसिस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज इन द ज्योमेट्रिकल कंडीशन, मतलब उस पार्टिकल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे पास एक पार्टिकल था, हमने इस पार्टिकल पे इतने ही एन कोप्लेनर फोर्सेस लगाए जिससे कि इसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक। तो कह रहा है कि पहली कंडीशन में मान लीजिए कि इन फोर्सेस के कारण सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, और सिद्ध करके दिखाइए कि उसके बाद वर्क डन क्या होगा, जीरो। दूसरे केस में मानिए वर्क डन जीरो है तो दिखाइए सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। थ्योरम समझ में आया, पार्टिकल के ऊपर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, मान लीजिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये दिखाइए, और मान लीजिए वर्क डन जीरो है तो दिखाइए सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ये हमारा थ्योरम है। पहले केस में मानेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और दिखाएंगे वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, दूसरे केस में मानेंगे वर्क डन इज इक्वल टू जीरो तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। पहले में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, दूसरे में वर्क डन इज इक्वल टू जीरो तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक। अब देखिए थ्योरम, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब तरीका देखिए कैसे कर रहे हैं, कितने डायमेंशन में स्टडी कर रहे हो, टू डायमेंशन, 2D में जो भी स्टडी होगी 2D में होगी। 2D में हम मान ले रहे हैं, वेरी गुड, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये हमारी एक्स एक्सेस है एंड दिस वन इज योर वाई एक्सेस, दिस इज द ओरिजिन ओ। हमारा पार्टिकल मान ले रहे हैं सबसे पहले ओ पर था, 0 0 पे, ठीक। इस पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस लगे, पहला फोर्स लगा F1, दूसरा फोर्स लगा F2, तीसरा फोर्स लगा F3 और nth फोर्स लगा Fn। एक पार्टिकल था जो इनिशियली जीरो पे था, दैट इज ओरिजिन पे था, इसके ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस अप्लाई किए गए, इन फोर्सेस के कारण ये डिस्प्लेस कर गया किसी पॉइंट a अल्फा कॉमा बीटा पे, ठीक है। सबसे पहले पार्टिकल कहाँ था, ओरिजिन पे, इसके ऊपर कितने फोर्सेस लगे, n कोप्लेनर फोर्सेस लगे। कोप्लेनर इसलिए क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन इसी ब्लैकबोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। कोई आपको ब्लैक बोर्ड से ऐसे निकलता हुआ नहीं दिख रहा होगा, सब ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, इसलिए ये एन कोप्लेनर फोर्सेस हो गए, ठीक। इसके कारण पार्टिकल ओ से कहाँ डिस्प्लेस कर गया, ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, अल्फा और बीटे का। मतलब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस कितनी रही होगी, अल्फा, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस कितनी रही होगी, बीटा, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक में कोई डाउट, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम में, अगर कोई फोर्स एफ हो तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग, पढ़ा है ये कभी, इन दोनों का ही रिजल्टेंट ये होता है जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था मैंने। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जनरली दो तरीके से बोला जाता है, रिजल्टेंट किसी भी फोर्स को
दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के पैरलर, दूसरा वाई एक्सिस के पैरलर। जैसे ये पेन है, इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के पैरलर, दूसरा वाई एक्सिस के पैरलर। और दूसरा थ्योरम कहता है कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग एक फोर्स ये लगे, वाई एक्सिस के अलोंग एक फोर्स ये लगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होता है जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है। ठीक है, दोनों ही थ्योरम हैं हमारे। अब इसका एप्लीकेशन हम यहाँ पे लेंगे। एफ वन फोर्स को दो पार्ट में बांटेंगे तो एक मिलेगा एक्स वन एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा मिलेगा वाई वन अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक, एफ टू को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक मिलेगा एक्स टू अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा मिलेगा वाई टू अलोंग वाई एक्सिस। एफ थ्री को डिवाइड करेंगे तो एक मिलेगा एक्स थ्री अलोंग एक्स एक्सिस, नेक्स्ट मिलेगा वाई थ्री अलोंग वाई एक्सिस, एंड सो ऑन। ऐसे ही एफ एन को मिलेगा एक्स एन अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा मिलेगा आपको वाई एन अलोंग वाई एक्सिस। वी कैन डिवाइड इट। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं? अब ध्यान से समझिए। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कल आपको बताया गया था वर्क डन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। क्यों? ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यूज कर दीजिए। एक्स वन इज द फोर्स और एक्स वन की दिशा में विस्थापन अल्फा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। हमने F1 को दो पार्ट में डिवाइड किया, X1 और Y1। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अल्फा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बीटा है। तो हमने कहा कि फोर्स F1 के द्वारा किया गया वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स X1 के द्वारा किया गया वर्क डन प्लस फोर्स Y1 के द्वारा किया गया वर्क डन। अगर F1 के द्वारा किया गया वर्क डन W1 है तो वो वर्क डन X1 के द्वारा किए गए वर्क डन प्लस Y1 के द्वारा किए गए वर्क डन के सम के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं दो हिस्सों को मिला करके F1 बन रहा है। ठीक है, F1 के द्वारा किया गया वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स द वर्क डन बाय द फोर्स X1 प्लस द वर्क डन बाय द फोर्स Y1। क्लियर है? तो अब अगर हम W1 निकालेंगे तो इसके द्वारा किया गया कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक, प्लस बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, दैट इज फोर्स F1 के द्वारा किया गया वर्क डन इज इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन प्लस बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक इसी तरीके से फोर्स F2 के द्वारा किया गया वर्क डन इज इक्वल टू X2 के द्वारा किया गया वर्क डन प्लस Y2 के द्वारा किया गया वर्क डन के बराबर होगा। X2 के द्वारा किया गया वर्क डन इज इक्वल टू बल गुणे बल के, वेरी गुड, X2 इंटू अल्फा प्लस Y2 इंटू बीटा, वेरी गुड। नेक्स्ट है अब हमारा, इसी तरह से हम W3 निकालेंगे तो W3 इज इक्वल टू X3 अल्फा प्लस Y3 बीटा एंड सो ऑन। ऐसे ही अब हम लोग WN निकालेंगे तो XN अल्फा प्लस YN बीटा। क्लियर? अब सबका एल्जेब्राइक सम ले लेंगे। एल्जेब्राइक सम, इफ़ द एल्जेब्राइक सम ऑफ द ऑल द वर्क डन बाय द एन कोप्लेनर फोर्सेस इज W, मान लेंगे W है तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन प्लस WN। दिस इम्प्लाइज दैट W इज इक्वल टू, सबका सम, सम एक तरीके से करेंगे, इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए, इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा X1 इंटू अल्फा प्लस X2 इंटू अल्फा, अल्फा कॉमन कर ले, डायरेक्ट कर दे, चलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो मिलेगा अल्फा, ब्रैकेट में मिलेगा X1 प्लस X2 प्लस X3 एंड सो ऑन प्लस XN, और दूसरा मिलेगा बीटा, ब्रैकेट में Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 एंड सो ऑन प्लस YN। इसको लिखा जाता है, फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, इसको लिखा जाता है अल्फ़ा इंटू समेशन एक्स आई
और इसको लिखते हैं बीटा इंटू समेशन वाई आई। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया, इतने में कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद फिर हम और डिस्कस करेंगे। इतना लिख लीजिए, लिखिए लेट लेट नंबर ऑफ एन को प्लेनर फोर्सेस लेट नंबर ऑफ को प्लेनर फोर्सेस एफ वन एफ टू एफ थ्री डैश 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 एफ एन एफ एन एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट ओ एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट ओ टेकिंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन्स टेकिंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन्स टेकिंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन्स एज ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सेस एज ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सेस एज ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सेस एज द कोऑर्डिनेट एक्सेस एज द कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, फुल स्टॉप। लेट कैपिटल एक्स वन कॉमा कैपिटल एक्स टू कॉमा कैपिटल एक्स थ्री कॉमा डैश 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 कैपिटल एक्स एन लेट कैपिटल एक्स वन कॉमा कैपिटल एक्स टू कॉमा कैपिटल एक्स थ्री कॉमा डैश 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 कैपिटल एक्स एन एंड कैपिटल वाई वन कॉमा कैपिटल वाई टू कॉमा कैपिटल वाई थ्री कॉमा डैश 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 कैपिटल वाई एन बी द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस बी द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एफ वन कॉमा एफ टू कॉमा एफ थ्री कॉमा डैश 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 एफ एन इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सेस रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली फुल स्टॉप। लेट द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड लेट द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इनफाइनाइटली स्मॉल From zero to O, from zero to O, whose coordinate is alpha comma beta, whose coordinate is alpha comma beta, alpha comma beta ऐसे ही bracket में लिखेंगे. Whose coordinate is alpha comma beta? ठीक है. Then, in the necessary condition, then in the necessary condition, we have to show that. Then in the necessary condition we have to show that if the system of forces be in equilibrium the system of forces be in equilibrium then the algebraic sum
देन द एल्जेब्राइक सम, देन द एल्जेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन, देन द एल्जेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन इज ज़ीरो. Is zero. Since the virtual work done, since the virtual work done by the force F1 by the force F1 is equal to the is equal to the is equal to the work done by the components x1 and y1 x1 and y1 that is यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारिए. हो गया. नीचे से लिखिए वेयर डब्ल्यू वन कॉमा डब्ल्यू टू कॉमा डब्ल्यू थ्री कॉमा डैश 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 डब्ल्यू एन, वेयर डब्ल्यू वन कॉमा डब्ल्यू टू कॉमा डब्ल्यू थ्री कॉमा डैश 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 डब्ल्यू एन आर द वर्क डन, आर द वर्क डन फ्रॉम द फोर्सेस, from the forces F1, F2, F3, dash 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 Fn. हो गया. नीचे से लिखिए let capital W, let capital W be the, let capital W be the algebraic sum, algebraic sum of the work done, of the work done by n coplanar forces, by n coplanar forces, then you got it. हाँ नीचे तक उतार लीजिए.
इसको डाल लीजिएगा इक्वेशन नंबर वन। डायग्राम बनाइए। बन गया डायग्राम। चलो अब देखिए, पहली हेडलाइन डालिए नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, हम मान लेंगे सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और दिखाएंगे कि W किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, नीचे से लिखिए नेसेसरी कंडीशन में लिखिए, लेट अस कंसीडर द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, लेट अस कंसीडर द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। नीचे से लिखिए दैट इज देखिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब ये जीरो होता है और ये जीरो होता है, ये फर्स्ट चैप्टर से ही लिया गया है। ठीक है, दैट इज, नीचे से लिखिए दैट इज समेशन एक्स आई इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन वाई आई इज इक्वल टू जीरो। दैट इज समेशन एक्स आई इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन वाई आई इज इक्वल टू जीरो। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है फ्रॉम द चैप्टर वन, उसमें ये थ्योरम था। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। नीचे से लिखिए यूजिंग इट इन इक्वेशन वन कॉमा वी गेट, जब इसका इस्तेमाल आप इक्वेशन नंबर वन में करेंगे तो मिलेगा W इज इक्वल टू अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो विच इज इक्वल टू W इज इक्वल टू जीरो। लिखिए
हो गया सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, या एक लाइन लिख लीजिए जरा सा सफिशिएंट कंडीशन के पहले, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। लिखिए हैंस हैंस द एल्जेब्राइक सम ऑफ द, हैंस द एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन, हैंस द एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन बाई द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, By the system of coplanar forces is zero. By the system of coplanar forces is zero. Next headline डालिए sufficient condition. Sufficient condition. चलिए अब देखिए सफिशिएंट कंडीशन में समझिएगा कैसे करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में हम मान लेंगे वर्क डन हमारा जीरो है, उल्टा कंडीशन मानेंगे वर्क डन जीरो है। वर्क डन जीरो होने का मतलब अल्फा इंटू समेशन एक्स आई प्लस बीटा इंटू समेशन वाई आई किसके बराबर है, जीरो के। मतलब हमको इनवॉल मिल जाएगा अल्फा इंटू समेशन एक्स आई, देखिए अल्फा इंटू समेशन एक्स आई प्लस बीटा इंटू समेशन वाई आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इक्वेशन को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बातें होती हैं, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ ये मेरी पोजीशन है ओरिजिन पे जीरो कॉमा जीरो, हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है, ये पोजीशन है अल्फा कॉमा बीटा। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम सीधे यहाँ अप्रोच कर गए, हमने पहले x एक्सिस के अलॉन्ग अल्फा चला होगा फिर y एक्सिस के अलॉन्ग हमने बीटा मूव किया होगा। दैट मीन्स अगर हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो दो चीज़ें, पहले हम x एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे फिर हम y एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे। तो जब हम x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं तो y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। जब हमने केवल x एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट केवल x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। दैट इज बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू समेशन एक्स आई इज इक्वल टू जीरो, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू जीरो और दिस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट समेशन एक्स आई इज इक्वल टू जीरो, चूँकि अल्फा कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर अल्फा भी जीरो हो गया तो बीटा तो जीरो अल्फा तो जीरो दोनों जीरो जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी बार हम मानेंगे कि हम वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, जब वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, मतलब अल्फा क्या होगा, जीरो। जैसे ही अल्फा को आप जीरो करेंगे आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज बीटा समेशन वाई आई इज इक्वल टू जीरो, इसमें ये क्लियर है कि बीटा जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो मिलेगा समेशन वाई आई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर बीटा भी जीरो हो गया तो पॉइंट हमारा फिर से ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने दिखा दिया ये भी जीरो ये भी जीरो, और जैसे ही ये दोनों जीरो होंगे सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन होती है ना। लिखिए सफिशिएंट कंडीशन हेडलाइन डलाइए ना, सफिशिएंट कंडीशन में लिखिए लेट अस कंसीडर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, लेट अस कंसीडर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेस। लेट अस कंसीडर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेस। एन कोप्लेनर फोर्सेस दैट इज, क्या लिखा आपने, लेट अस कंसीडर द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम काट दीजिए, लेट अस कंसीडर द सिस्टम इज एक्टिंग अंडर द एक्शन ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेस। लेट अस कंसीडर द सिस्टम इज एक्टिंग
अंडर द एन को प्लेनर फोर्सेस सच दैट द एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्क डन such that the algebraic sum of the work done is zero such that the algebraic sum of the work done is zero ठीक है, मतलब w क्या है, zero, that is w is equal to zero, that is w is equal to zero. नीचे से ये लिखिए, दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू समेशन एक्स आई इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस बीटा समेशन वाई आई इज इक्वल टू ज़ीरो. हो गया. अब हम पहली बार ये कंज्यूम करेंगे कि सिस्टम हमारा केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, दूसरी बार ये अज्यूम करेंगे कि केवल वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है. लिखिए, let us consider the displacement of particle, let us consider the displacement of particle is taken along, is taken along only x-axis, only x-axis, then beta is equal to zero. नीचे से ये दोनों लाइन लिखिए, ये दोनों लाइन. हो गया. नीचे से लिखिए, अगेन लेट अस कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट इज टेकन अलोंग only y axis, then alpha is equal to zero. नीचे से ये दोनों लाइन लिखिए. ठीक है, नीचे से लिखिए, from above both equation it is clear that the system is in equilibrium. From above both equation it is clear that the system is in equilibrium. From above both condition it is clear that the system is in equilibrium.
हो गया, थ्योरम समझ में आया आपको? नेक्स्ट लिखिए थ्योरम टू, थ्योरम टू लिखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट आर रिजिड बॉडी एक्टेड अपॉन बाई अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, बाई अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम इज दैट कॉमा द एल्जेब्राइक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन by the forces in any arbitrary small displacement consistent with the geometrical condition is zero consistent with the geometrical condition of the system is zero हो गया। जरा पहले और इस थ्योरम में डिफरेंस ढूंढिए, कहते हैं ना अंतर ढूंढो, डिफरेंस ढूंढिए क्या क्या डिफरेंस है। उसमें एक पार्टिकल के बात में बात हो रही थी जबकि यहाँ पे एक रिजिड बॉडी के बारे में बात हो रही थी। आपको बताया गया है कि जैसे मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है, मतलब इस रिजिड बॉडी के अंदर बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, दैट इज कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब हम लोग इस कोई भी इस चीज़ को पढ़ेंगे कि सिस्टम के बारे में। देखिए सिस्टम की हम आपको खासियत बता दें, चूँकि आपका अभी कोप्लेनर फोर्सेस नहीं पढ़ा हुआ है इसलिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में दो मोशन पाए जाते हैं, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। जैसे अभी आपने पढ़ा कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा और वाई एक्सिस के अलोंग चलेगा, दूसरा वाला रोटेट भी करेगा। ठीक है, तो अब कुल मिला के आप कितने फोर्स पढ़ेंगे? तीन, रोटेशनल ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल में अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो जैसे आपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था कि पहले x एक्सिस के अलोंग चल रहा है फिर y के अलोंग चल रहा है, यहाँ पे हम तीन पार्ट कर लेंगे, पहले रोटेट कर रहा है फिर x एक्सिस के अलोंग चल रहा है फिर y एक्सिस के अलोंग चल रहा है। जब आप इन तीनों चीज़ों का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे तो उसको हम लोग रिजिड बॉडी में रखते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम पहले थोड़ा सा देख लीजिए ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। देखिए मान ले रहे टू डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई? वाई एक्सिस हो गई। हमारा पार्टिकल सबसे पहले ओरिजिन पे था 0.0। ठीक है, फिर देखिए मान ले रहे हैं ये पार्टिकल की पहली पोजीशन है x, y। सबसे पहले पार्टिकल हमारा इस दिशा में ऐसे था x, y पे, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? x, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y। ठीक, अभी मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ थ्री पार्ट्स बताए, पहला रोटेशनल, दूसरा ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल में अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस। मान ले रहे हैं ये इससे थीटा एंगल बनाएगा,
आपको बताया है वर्चुअल वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, हम एज्यूम करते हैं, तो वो बहुत छोटा एज्यूम करते हैं कि समय पड़ने पर हम उसको नेगलेक्ट कर सकें या इग्नोर कर सकें। तो मान ले रहे हैं ये रोटेट कर रहा है डेल थीटा एंगल से, पहले रोटेट हुआ, रोटेट होकर के हमारा पार्टिकल यहाँ आया, इस पॉइंट को हम मान रहे हैं ए डैश। फिर ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस चला, मान ले रहे हैं ये डेल ए डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग चला। फिर ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग चला, मान ले रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग डेल बी डिस्टेंस चला, ठीक। इसको हम मान रहे हैं एन, इसको हम मान रहे हैं बी। सबसे पहले पार्टिकल ऐसे था, मीन वाइल वो रोटेट हुआ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला, वाई एक्सिस के लॉन्ग चला, और मान ले रहे फाइनल वो यहाँ आया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई है। यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स प्लस डेल एक्स रही होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y प्लस डेल वाई रही होगी, ये आपने 2D में जानते हो, पढ़े हुए होंगे। यहाँ से यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस परपेंडिकुलर को हम मान रहे हैं m। डायग्राम इतना क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने आपको क्या बोला, पार्टिकल हमारा कहाँ पे था, a पे था, a पे उसका कोऑर्डिनेट कितना था x और y, एंगल कितना था थीटा, रोटेशनल मोशन बाय डेल थीटा, ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग x एक्सिस बाय डेल a, ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग वाई एक्सिस इज डेल वाई डेल बी, ठीक है। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई, पहले कोऑर्डिनेट कितना था एक्स वाई, बाद में कोऑर्डिनेट कितना हो गया एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई, ठीक है। तो अब हमको इसकी स्टडी करनी है कि इतने मोशन के दौरान, पहले तो मान लेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, फिर दिखाएंगे डब्ल्यू जीरो होगा, फिर मीन वाइल मानेंगे W जीरो है, तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। थ्योरम समझ में आया? इस सिस्टम के ऊपर भी n कोप्लेनर फोर्सेस लगे, जिससे पहले ये रोटेट हुआ, उसके बाद x एक्सिस के लो, उसके बाद y एक्सिस के लो। थ्योरम समझ में आया? लिखिए, थोड़ा सा इसमें लिखिए, प्रूफ में लिखिए, लिखिए, लेट अस कंसीडर, let us consider a system of n coplanar forces, a system of n coplanar forces acting on a rigid body, acting on a rigid body, acting on a rigid body at any arbitrary point capital A bracket में x comma y, at any arbitrary point capital A bracket में x comma y, such that the body rotates from angle del theta, such that the body rotates from angle del theta जैसे ही del theta से body rotate हुई, उसका एक particle कहाँ पर आ गया, a dash पे, particle body है डेल थीटा से रोटेट कितने, नहीं जैसे ही मान लीजिए ये बॉडी है हमारी, इसमें कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल ये है, इस पार्टिकल की पहले एंगल कितना था थीटा, बल लगने के बाद एन कोप्लेनर फोर्सेस लगने के बाद कितने से रोटेट कर गया डेल थीटा से, ठीक है। क्या लिखा आपने, बॉडी रोटेट फ्रॉम एंगल डेल थीटा एंड रीचेज एट द पॉइंट ए डैश, reaches, R E A C H E S, reaches at a point A dash. Actually में हम कर क्या रहे हैं, यहाँ देखिए ये हमारी rigid body है, ठीक। rigid body के एक point का हम discussion कर रहे हैं,
रिजिड बॉडी के एक पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं। रिजिड बॉडी है, इस पे एन कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, एन कोप्लेनर फोर्सेस इसके एन पॉइंट्स पे लगेंगे। मान लेंगे एफ वन लग रहा है किसी पॉइंट ए वन पे, एफ टू लग रहा है किसी पॉइंट ए टू पे, एफ थ्री लग रहा है किसी पॉइंट ए थ्री पे, एफ एन लग रहा है किसी पॉइंट ए एन पे। तो हमने एक पॉइंट को पकड़ लिया ए, हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, फोर्स के कारण ये हमारा रोटेट कर गया। कितने एंगल से? डेल्टा थीटा से। कहाँ पे आ गया? ए डैश पे आ गया। फिर वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, किस पॉइंट पे आएगा? एन पे। फिर वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, कहाँ पर आएगा? बी पर। ठीक है, कहाँ तक लिखा आपने? रीचेज एट पॉइंट ए डैश, फुल स्टॉप। आफ्टर दैट द पार्टिकल After that, the particle reaches at the point capital N. After that, the particle reaches at the point capital N by translational motion along x-axis by translational motion along x-axis and finally it reaches at the point B and finally it reaches a point B point capital B after the translational motion along y-axis after the translational motion along y-axis after the translational motion along y-axis comma so that the final coordinate of capital B is so that the final coordinate of capital B is so that the final coordinate of capital B is ये लिखिए ब्रैकेट में x plus del x comma y plus del y x plus del x comma y plus del y हो गया। अब ब्लैकबोर्ड पे देखिए, हम x प्लस डेल x की वैल्यू निकालने चल रहे हैं, फिर कल डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैंस चलिए यहाँ देखें, x प्लस डेल x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस डेल x की वैल्यू निकालेंगे तो इतना प्लस इतना और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, तो आपको मिल जाएगा ओ एम प्लस ए डैश एन। ठीक, एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू ओ एम, ये इसकी वैल्यू हम निकालने चल रहे हैं। ओ एम की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आर हो तो ये भी आर होगा। सोच के बताइए क्यों। पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल में केवल रोटेशनल मोशन में चेंज आया, केवल थीटा में चेंज आया, आर में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर ये आर होगा तो ये भी कितना होगा? आर होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंगल थीटा प्लस डेल थीटा है। चलिए इन ट्रायंगल ए डैश ओ एम, ठीक है, ए डैश ओ एम, हमको ये वैल्यू चाहिए। ये पता है, ये आपका कॉस लग जाएगा, आएगा कॉस थीटा प्लस डेल थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार है आपका ओ एम और कर्ण है आपका आर, तो ओ एम की वैल्यू मिलेगी आर कॉस थीटा प्लस डेल थीटा प्लस ए डैश एन की वैल्यू है हमारे पास डेल ए। x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी प्लस डेल ए। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग कहेंगे कि डेल थीटा बहुत छोटा है, हम आपको बताते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल है, सिंस डेल थीटा इज इनफाइनाइटली स्मॉल, सिंस डेल थीटा इज इनफाइनाइटली स्मॉल, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है और कॉस डेल थीटा की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। कहते हैं इफ़ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, क्लियर। और कॉस थीटा में जैसे ही आप थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू वन, ठीक है, ये आपका कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू वन, ठीक, मान रख दीजिए। तो x प्लस डेल x का मान आएगा r cos थीटा, cos इसकी जगह आएगा 1 माइनस साइन थीटा, साइन डेल थीटा की जगह डेल थीटा प्लस डेल, समझ में आ रहा है। x प्लस डेल x इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डेल थीटा प्लस डेल ए। x प्लस डेल x इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस r sin थीटा इंटू डेल थीटा प्लस डेल ए। r cos थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो आपको पता है x बराबर r cos थीटा, देख लीजिए इस वाले ट्रायंगल से अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण x बराबर r cos थीटा, तो x बराबर r cos थीटा माइनस r sin थीटा इंटू डेल थीटा प्लस डेल ए, ये देगा डेल x इज इक्वल टू डेल a माइनस r डेल थीटा sin थीटा। ठीक है, यहाँ लिख भी दे रहे हैं सिंस x इज इक्वल टू r cos थीटा, क्लियर, लिख उतारिए। इसके बाद एक लाइन और बढ़ा रहे हैं, जरा यहाँ देखिएगा, इसको मत पैक करिएगा। x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, जानते हैं ये चीज़, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो डेल x बराबर डेल a माइनस r sin थीटा की जगह y रख सकते हैं y डेल थीटा, उतारिए।
फ्राइडे को आपसे आपकी और क्लास चलना शुरू हो जाएगी, बताया ना मैंने अभी, फ्राइडे को आपके और दूसरे सर भी आएंगे पढ़ाने के लिए। हो गया, रुकिए नीचे से लिखिए, अगेन अगेन, चलिए हमको वाई प्लस डेल वाई निकलवाइए। अगेन यहाँ देखिए वाई प्लस डेल वाई निकलवाइए। वाई प्लस डेल वाई की बात करेंगे तो कहेंगे इतना प्लस इतना, इतना इतने के बराबर होगा, मतलब आपको मिलेगा ए डैश एम प्लस डेल बी। ठीक है, वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, इसी ट्राइंगल से इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो आएगा साइन थीटा प्लस डेल थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब मतलब ए डैश एम और कर्ण की वैल्यू आर, तो आपको मिलेगा आर साइन थीटा प्लस डेल थीटा प्लस डेल बी। ठीक, वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साथ में आएगा प्लस डेल बी। वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू वन प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू डेल थीटा प्लस डेल बी। रीज़न यहाँ लिख रहे हैं, सिंस डेल थीटा इज वेरी स्मॉल तो इस केस में आपको दिस इम्प्लाइज कॉस डेल थीटा टेंड्स टू वन एंड साइन डेल थीटा टेंड्स टू डेल थीटा। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा प्लस डेल बी। वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई एक्स कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस डेल बी। वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, कैंसिल कर दीजिए यहीं पे, जैसे ही यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे आपको मिल जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू एक्स डेल थीटा प्लस डेल बी। उतार के अब डायग्राम बनाइए।
डायग्राम बनाइए, इसके बाद इसको डालिएगा इक्वेशन नंबर टू। आज आपका केवल मैकेनिक्स का ही क्लास है, है ना, इसीलिए हम उसको थोड़ा मतलब एक्सटेंड करके पढ़ा दे रहे हैं कि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आपका करीबन सवा घंटे से ऊपर का क्लास हो चुका है अभी, है ना, तो हम इसी को एक्सटेंड करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपका डेढ़ घंटे का पौने दो घंटे का लगभग यही चल जाए, तो आपका एक टॉपिक पूरा पूरा कवर हो जाएगा उसमें। हो गया, चलिए अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे। आपको पता है वर्क डन निकालने के लिए हम कहते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगर इसकी आप बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन है x प्लस डेल x, इनिशियल पोजीशन है x, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल x। फाइनल पोजीशन है y प्लस डेल y, इनिशियल पोजीशन है y, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल y। तो आपको पता है किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक x एक्सिस की दिशा में एक y एक्सिस की दिशा में। तो x एक्सिस की दिशा में बल गुणे विस्थापन, y एक्सिस की दिशा में बल गुणे विस्थापन, ठीक है। चूंकि ये एक फोर्स के लिए है, बाकी सब फोर्स के लिए ऐसे ही ऐड कर देंगे, है ना। लिखिए, नीचे से लिखिए, लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ, लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एफ अलोंग ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस, along OX axis and OY axis, along OX axis and OY axis, ठीक है। X axis की दिशा में मान लीजिए ये कोई फोर्स F है, ये कोई फोर्स F है, तो इसका कंपोनेंट X axis की दिशा में X होगा, Y axis की दिशा में Y होगा। इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट है डेल एक्स, इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट है डेल वाई, तो वर्क डन हो जाएगा डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वाई, ठीक। चलिए अब बताइए कि वैल्यू कितनी आएगी इसकी,
दिस इम्प्लाइज दैट डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू डेल एक्स की वैल्यू बोलिए कॉपी में आपके लिखी होगी इक्वेशन नंबर वन में ठीक प्लस डेल वाई की वैल्यू बोलिए एक्स ये भी डेल थीटा होगा ना एक्स डेल थीटा प्लस डेल बी ठीक है अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एक काम करिए इस एक्सप्रेशन को लिखते टाइम देखिएगा एक्स डेल ए प्लस वाई डेल बी प्लस डेल थीटा वाई ये आपने कुछ गलत लिखवाया है हमको लग रहा है चेक करिए एक बार स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का कुछ होगा इसमें ये वाई होगा स्मॉल होगा ना स्मॉल का मतलब होता है कोऑर्डिनेट कैपिटल का मतलब होता है फोर्स तो स्मॉल और कैपिटल बहुत देख के लिखा करिए ठीक है ये स्मॉल है तो ये आपको मिला एक्स डेल ए प्लस वाई डेल बी डेल थीटा बाहर हो गया मिलेगा आपको वाई एक्स माइनस एक्स वाई कैपिटल जो लिखे जाते हैं वो फोर्स या फोर्स के कंपोनेंट को दिखाते हैं जो स्मॉल लिखे जाते हैं वो कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं स्मॉल वाले कोऑर्डिनेट और कैपिटल वाले कंपोनेंट या फोर्स ठीक है आगे बढ़े अब देखिए इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर थ्री यहाँ तक कोई दिक्कत पीछे आपने क्या किया था डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू एन निकाल के ऐड कर दिया था तो यहाँ पे भी बाकी सबके लिए यही एक्सप्रेशन आएगा तो सबको क्या कर देंगे ऐड ऐड करें या समेशन ले बिल्कुल एक बात होती है ना ऐड करें या फिर समेशन ले तो अगर सबके द्वारा किया गया वर्क डन डब्ल्यू होगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन डेल डब्ल्यू ठीक डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन डेल डब्ल्यू का मतलब एक्स डेल ए प्लस वाई डेल बी प्लस डेल थीटा वाई एक्स माइनस एक्स वाई ठीक दिस इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन उस पे लगेगा जो वेरी कर रहा है डेल ए तो कांस्टेंट है डेल बी भी कांस्टेंट है तो इन दोनों पे समेशन नहीं लगेगा तो मिलेगा डेल ए समेशन एक्स प्लस डेल बी समेशन वाई प्लस डेल थीटा समेशन वाई एक्स माइनस एक्स वाई यहाँ तक भी कोई डाउट लिखिए ये एक्सप्रेशन भी ठीक फर्स्ट चैप्टर में है इसको मूवमेंट कहते हैं ठीक है यहाँ बता दिए जब अब आपको वीडियो भेजेंगे तब आप देखिएगा उसमें लिखिए कहाँ तक लिखा देन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ देन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज गिवन बाय देन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज गिवन बाय इक्वेशन थ्री तक उतारिए इक्वेशन थ्री तक यहाँ से लेके थ्री तक हो गया इक्वेशन थ्री के नीचे से लिखिए सिमिलरली वी ऑब्टेन द वर्चुअल वर्क सिमिलरली वी ऑब्टेन द वर्चुअल वर्क
सिमिलरली वी ऑब्टेन द वर्चुअल वर्क बाई द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज सेम, मतलब जैसे आपने एक के लिए निकाला वैसे ही सेम एक्सप्रेशन बाकी सबके लिए निकालेंगे। तो जब सबका एलजेब्राइक सम लेंगे तो चाहे प्लस करें चाहे समेशन लें, बोथ आर सेम। ठीक है, तो हम इसका समेशन ले लेंगे। ठीक है, क्या लिखा, सिमिलरली वी ऑब्टेन द वर्चुअल वर्क ऑफ द अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी रिजिड बॉडी इज सेम टू दैट ऑफ द फोर्स एफ फुल स्टॉप। देयरफोर द वर्चुअल वर्क डन बाई द सिस्टम ऑफ एन को प्लेनर फोर्सेज इज गिवन बाई ये उतारी पूरा यहां से यहां तक, इसको डालिए इक्वेशन नंबर फोर। हो गया, अब हेडलाइन डालिए नेसेसरी कंडीशन देखिए नेसेसरी कंडीशन में हम मान लेंगे कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब होता है समेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन वाई इज इक्वल टू जीरो, जी इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट चैप्टर दिस इंप्लाइज दैट समेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन वाई इज इक्वल टू जीरो, जी की वैल्यू होती है समेशन वाई एक्स माइनस एक्स वाई, उसको कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, आज आप वीडियो ले लीजिएगा हमसे तब देखिएगा, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लिखिए नेसेसरी कंडीशन में लिखिए लेट द सिस्टम अंडर द एक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम देन ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है, पहला थ्योरम है इस चैप्टर का।
हो गया, यूज़ कर दीजिए इक्वेशन फोर में. यूजिंग इट इन इक्वेशन फोर वी गेट, यूजिंग इट इन इक्वेशन फोर वी गेट, यूजिंग इट इन इक्वेशन फोर वी गेट. जैसे इक्वेशन फोर में यूज़ करेंगे ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, दैट इज़ डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो. यूजिंग इन इक्वेशन फोर वी गेट डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, W इज इक्वल टू जीरो. नीचे से लिखिए hence the algebraic sum, hence the algebraic sum of the work done, of the work done by the system of n coplanar forces, by the system of n coplanar forces, by the system of n coplanar forces is zero, is zero, which is the necessary condition, which is the necessary condition, which is the necessary condition. यहाँ तक मैं आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है, हेडलाइन डालिए सफिशिएंट कंडीशन. ख़त्म हो जाएगा ना ये टॉपिक, तो बार बार उठाना नहीं पड़ेगा. जैसे कोई टॉपिक बीच में ब्रेक होता है फिर फर्दर उठा तो ज़्यादा समय खाता है. होता क्या, पहले का समझाओ, फिर डायग्राम बनाओ, फिर आगे बढ़ो, तो वो और समय किल कर देता है. एक बार में ख़त्म होता है तो समय थोड़ा कम लगता है. अब जैसे अगर आज हम इसको एक घंटे पर स्टॉप कर देते तो कल आप आते तो फिर कल इसमें हमको फिर डायग्राम बनाना पड़ता, फिर थोड़ा पहले का समझाना पड़ता, तो वो 15 मिनट लेक्चर और खा लेता. इसीलिए हमने आज 2 घंटा इसको चला दिया. ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन. देखिए सफिशिएंट कंडीशन में आप क्या मानेंगे कि वर्क डन हमारा ज़ीरो है, तो दिखाएंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा. सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा मतलब ये तीन कंडीशन दिखाएंगे. पहले देख लीजिए, W ज़ीरो होगा. W ज़ीरो होने का मतलब है डेल ए समेशन डेल एक्स प्लस डेल बी समेशन वाई प्लस डेल थीटा समेशन वाई एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. बारी बारी से पहले हम मानेंगे कि उसमें केवल रोटेशनल मोशन हो रहा है. रोटेशनल मोशन होगा तो ट्रांसलेशनल मोशन ज़ीरो हो जाएगा. ट्रांसलेशनल मोशन ज़ीरो होने का मतलब होगा डेल ए भी ज़ीरो हो जाएगा और डेल बी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. पहले केस में मानेंगे कि केवल उसमें क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन, तो केवल वो किस दिशा में विस्थापित होगा, रोटेशन की दिशा में. तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या हो गया, ज़ीरो. मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन ज़ीरो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन ज़ीरो. तो क्या ये मिल गया आपको, यूज़ इसमें कर दीजिए. इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर 5 में यूज़ करेंगे तो मिलेगा डेल थीटा वाई एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. दो संख्याओं का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर, या तो ये ज़ीरो या तो ये ज़ीरो. अगर डेल थीटा भी ज़ीरो कर दिए तो उसका मतलब उसमें कोई रोटेशनल मोशन नहीं हुआ, तो हमारी बात गलत हो जाएगी क्योंकि हमने तो कहा है कि उसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है. इसका मतलब डेल थीटा कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा. दिस इम्प्लाइज दैट समेशन वाई एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो. क्लियर. सेकेंड में हम मानेंगे कि उसमें केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है. जब केवल वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन किया तो वाई के अलॉन्ग भी ज़ीरो, रोटेशनल भी ज़ीरो. इसका क्या मतलब हुआ, डेल थीटा भी ज़ीरो और डेल बी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. जैसे ही यहाँ रखेंगे मिलेगा डेल ए समेशन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. डेल थीटा ज़ीरो, डेल बी ज़ीरो, तो केवल ये बचा. दो संख्याओं का प्रोडक्ट ज़ीरो, आइदर दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और दिस वन इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर हम डेल ए को ज़ीरो कर दिए तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कोई मोशन नहीं हुआ, लेकिन हमने तो कहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है. इसका मतलब डेल ए कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा. तो कौन ज़ीरो हुआ, समेशन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. लास्ट वन हम कंसीडर करेंगे कि ये केवल वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है. वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करेगा तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन ज़ीरो और रोटेशन के अलॉन्ग भी मोशन क्या होगा, ज़ीरो. तो केवल हमको मिलेगा डेल बी समेशन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो.
दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो के बराबर, आपको पता है डेल बी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, डेल बी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो केवल क्या मिलेगा, समेशन वाई इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, विच इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया, लिखिए सफिशियंट कंडीशन, हेडलाइन डालो, लिखिए इसमें, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर द एल्जेब्रिक सम, लेट अस कंसीडर द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्चुअल वर्क डन, ऑफ द वर्चुअल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ, बाय द सिस्टम ऑफ एन कोप्लेनर फोर्सेस, by the system of n coplanar forces is zero, is zero, नीचे से लिखिए that is w is equal to zero, that is w is equal to zero, this implies करके equation number 5 लिखिए, this implies करके ये equation number 5। हो गया, सबसे पहले हम मान रहे केवल रोटेशनल मोशन हो रहा है, फिर मान ले केवल एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, फिर मान रहे केवल वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है, लिखिए, लिखिए, लेट अस चूज अ डिस्प्लेसमेंट, लेट अस चूज अ डिस्प्लेसमेंट, लेट अस चूज अ डिस्प्लेसमेंट इन विच, in which the body rotates about, in which the body rotates about O, O मतलब origin, the body rotates about O through a small angle del theta, through a एंगल स्मॉल डेल थीटा, देन पुटिंग डेल ए इज इक्वल टू जीरो, लिखिए, देन पुटिंग डेल ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा डेल बी इज इक्वल टू जीरो, इन इक्वेशन फाइव वी गेट, इन इक्वेशन फाइव वी गेट ये दोनों लाइन, जस्ट अ मिनट, हो गया, फिर लिखिए, फिर नीचे से लिखिए, अगेन, अगेन लेट अस चूज अ डिस्प्लेसमेंट, अगेन लेट अस चूज अ डिस्प्लेसमेंट इन विच, इन विच द बॉडी मूव्स, इन विच द बॉडी मूव्स ओनली अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, only a small displacement del a parallel to x axis, del a parallel to x axis
then putting del theta is equal to 0, comma del b is equal to 0, in equation 5 we get ये दोनों, ये दोनों लाइन, ये वाली हो गया। अब फाइनली लास्ट हम मानेंगे कि मोशन केवल किसके अलोंग हो रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है। केवल वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो डेल थीटा और डेल ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। लिखिए फाइनली लेट अस कंसीडर दैट द बॉडी डिस्प्लेस अलोंग ओनली वाई एक्सिस, द बॉडी डिस्प्लेस अलोंग ओनली वाई एक्सिस, देन पुटिंग ये डेल ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा डेल थीटा इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फाइव कॉमा वी गेट ये नाइन, ये डेल बी इंटू समेशन वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज समेशन वाई इज इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में डेल बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। हो गया ये लाइन और ये लाइन क्लियर। नीचे से लिखिए विच ऑल आर थ्री द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, विच ऑल आर थ्री द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, विच ऑल आर थ्री द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हैंस द कंडीशन इज सफिशियंट, फुल स्टॉप के बाद हैंस द कंडीशन इज सफिशियंट, हैंस द कंडीशन इज सफिशियंट। हो गया, ये आपका पूरा थ्योरम का स्ट्रक्चर था। इसमें कोई डाउट आपको क्लियर हो गया, इन दोनों में से एक थ्योरम आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल सेम टाइम।